व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी अंतिन, यू आर वाचिंग एचडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं मीम्स जिनका टाइटल है वाह क्या सीन है। तो देखते हैं सीन होता भी है कि नहीं। आजकल इंस्टा पे बड़े अच्छे अच्छे मीम्स मिल रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि वो सारे क्लिप्स जो हैं वो मैं किसी तरह डाउनलोड कर लूँ और फिर उन पर यहाँ पर रिएक्ट करें, क्योंकि वो बड़े कमाल के मीम्स मिल रहे हैं मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, चलो करते हैं, कोई ना कोई चक्कर करते हैं। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, 3, 2, 1 लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। मीम्स एचटी रिएक्ट्स एंड यूज हेडफोन्स, ये जरूरी है। अगर मतलब सीमा से बोल गए जो अगर ये जासूस ना निकली तो उसकी बहन को मैं लेके आऊंगा। अब सीमा की बहन भी आएगी इसकी बहन से, तो तब प्रीति नाम भी ना बताया उसने मुझे। अच्छा, धोखे में रख रहा हूं। फोटो देखिए, भाई निकल आया वो फिर इससे भी तगड़ी है। ये तो चार बच्चों की माँ है, वो कुआरी है, प्लस इससे तगड़ी है भाई। सोच प्लानिंग करके बैठा है। अगर कोई व्यक्ति आपका नाम बिगाड़कर आपसे बात करता है, आपका नाम बिगाड़कर आपको बुलाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है सेक्शन 499 और 500 के तहत। उस व्यक्ति को 2 साल की सजा हो सकती है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बेस्ट फ्रेंड, क्या स्वैग है भाई इस बंदे का, देखना। बड़े बदतमीज है आप। अरे बड़े तो घर पे हैं, मैं तो छोटा हूँ। कोई है? मैं हूँ ना। चल चल बदतमीज। ओए बदतमीज नहीं हूँ मैं, बहुत शरीफ आदमी हूँ। यकीन ना आए तो मोहब्बत करके देख ले। शक्ल देखी है आईने में? हाँ, अगर कोई खूबसूरत लड़की देखती है ना मेरी शक्ल, देखती ही बेहोश हो जाती है। मैं तो नहीं हुई। खूबसूरत लड़की की बात की है मैंने। ये क्या था? इमोशन होटल। सर मुझे एक डाउट है सर, सिर्फ हम गिने चुने बच्चों को कोविड पे क्या क्या पहन बड़ा हमने क्या किया है? हमने जितने भी हमारे क्लास में सुपर टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, होशियार, समझदार, आइंस्टाइन, देश के जो बड़े बड़े कलाकार होने वाले लोग हैं ना, उन सबको घर छोड़ दिया। और जितने भी बचे हुए निकम्मे, निठल्ले, कमीने, कुत्ते, घटिया इंसान, फालतू आदमी, बेरोजगार, कभी जिंदगी होने वाला नहीं है जिनका, फटे हुए कौन है बस ना सर। वो क्या है ना, तुम हमारे देश के फ्यूचर हो। वाह तारीफ कर रहा है। और मुझे फ्यूचर का बहुत टेंशन है। साला बेइज्जती कर रहा है। तो हमारे कॉलेज में ये रूल लगा के तुम जैसे लोगों को बुलाया है। अच्छा, लगता है ये रूल टीचर्स में भी लगाया गया है, इसलिए से सर प्रेजेंट नहीं। सही था, बहुत ज्यादा मजेदार नहीं था लेकिन सही था। बोलो क्या बात है? हमें लिए हुए बहुत दिन हो गए, दे दो ना एक बार। कैसी मांग रहे हैं? बच्चे घर लौटा, ये साड़ी दिला दूंगा। नहीं चाहिए। अरे एक बार हीरो का हार दिला दूंगा। अरे बोला ना नहीं चाहिए। अच्छा गाड़ी दिला दूंगा, बस एक बार। रेट बढ़ता जा रहा है। और अभी तो रुको, वो बंदा खड़ा था, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी होगा कुछ। भैया भैया मेरी मार लो, लेकिन एक बाइक दिला दो। अबे साले अफोर्ड करना किसे आसान है, जाती बीवी या गर्लफ्रेंड अवामी? जवाब इसका ये है कि गर्लफ्रेंड जो है ना वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, वो कैसे? मतलब लॉस भी हो सकता है, पकड़े जाओ तो। लेकिन बेगम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो छोटा छोटा करके बहुत खर्चा करवा लेगी। गर्लफ्रेंड ये 2-3 शॉटों में आपको लूट ले, छोटे छोटे 2-3 शॉटों में। शॉटों नहीं जाता, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और फिर एक दिन कहेगी पप्पा नहीं, बारियों में ही आप खत्म हो जाओ। सिकंदर भाई जवानी, लंबे बाल, एक स्मूथ रन अप, पेस, बाउंस, एक्यूरेसी, स्विंग, लेफ्ट आर्म, पेस। रुलाएगा क्या इतनी तारीफें कर दी? मैं वसीम अकरम की बात कर रहा था। अच्छा। ओह यार। सर गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेलकम टू असम एंड आई, बड़ी हमारी खुशनसीबी। थैंक यू वेरी मच। आप आए और गेस्ट की कमी भी थी। बंद करो हाथ जोर से। मैं बैक टू बैक बेइज्जती। मजबूर थे आप? नहीं नहीं, मैं मजबूर नहीं था, प्रोड्यूसर मजबूर। गजब बेइज्जती।
दिल से बुरा लगता है भाई। अच्छा सिकंदर भाई ये बताइए, मूछें आप हमेशा से रखते हैं, सिग्नेचर लुक है आपकी, मूछें भाभी का कहना है या आपने खुद से ये बड़ा रखी? बेगम का तो आपको पता है कि मुझे नहीं पता आपकी बेगम पीछे ही पड़ गया। बड़ा हरामी हो बेटा। 21 तोपों की सलामी। ओ भाई चलो सलमान भाई ऐसे ही खुश हो जाएंगे। वैसे मुझे समझ नहीं आती यार इसके पल तो बंदी टिकती क्यों नहीं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो। कैरी जी हमसे शादी कर लीजिए। नहीं स्त्री, अब मैं एक बाप बन चुका हूँ, जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। तुम बाकी महिलाओं की तरह BTS से दिल लगा लो। BTS तो ये आपको ये फांसी की सजा क्यों हो रही, मृत्युदंड क्यों मिल रहा है? भैया आज से 4 साल पहले हमारी शादी हुई थी, ये धर्म पत्नी है हमारी, तो शादी के बाद ये बोली कि हमें जो है वकालत की पढ़ाई करनी है, तो हम बोले ठीक है हम करवा देंगे। ठीक है समझ गया। तो दिन रात मेहनत की, हालांकि वकील भी बन गई हैं ये, पर वकील बनने का इनको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा था, तो हमसे बोली कि आप एक काम कीजिए, कोई छोटा मोटा क्राइम कर दीजिए ताकि फिर उसके बाद इसमें हम आपको छुड़ा लेंगे, मार्केट में नाम हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस होती रहेगी। हाँ और मतलब लोग जो है फिर आने लगेंगे मेरे पास भी। सही सही सही। तो हम गए बगल के घर में, हमने जो है मतलब चोरी चकारी चोरी करने चले गए हम, ठीक है। उसमें चोरी के दौरान क्या हुआ कि हाथापाई हो गई, उसमें जो है सामने वाला जो उनको ज़्यादा चोट लग गई और उसकी वजह से वो जो है मर गए। मतलब अभी और सुनिए, अगर हमको ऐसा 10 जन्म भी मिलेगा ना तो इनके लिए हम 10 जन्म भी फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या अश्की है भाई तेरी। पाकिस्तान भाई बहुत अच्छा कंट्री है, ठीक है। अच्छा इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हर नेमत दी है एज अ रिसोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे लोग अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ट्विस्ट क्या है? वो बोल रहा है झूठ बोल रहा ओके तो ये थे मजेदार मजेदार मीम्स जो कि हमने देखे और आपके साथ बैठ के इंजॉय किए। बहुत ज्यादा हाइपर मीम तो नहीं थे लेकिन सही थे। चलो सीन तो नहीं बना, सीन तो मैं नहीं कहूँगा। पहला वाला मीम देख के लगा था मुझे सीन होगा लेकिन नहीं हुआ। पहला मीम था वो सीमा की बहन के चक्कर में है, दूसरा और तीसरा तो बस ठीक ही था, सिग्मा टाइप था लेकिन ठीक था। वो मज़ेदार था कि वो भाभी के चक्कर में पड़ा हुआ था और पीछे लड़का जो है भाई तुम है तू इधर आ जा इतना भी कोई गरीब ना हो कि उसे अपनी इज्जत लुटानी पड़ जाए। फिर ताविश भाई थे जो कि मतलब उनके सही थे, वो सिक्कू भाई की ठीक ठाक उन्होंने की। फिर थे अपने सलमान भाई, यार पता नहीं क्यों नहीं उस पर कोई लड़की टिकती, और वो वकील वाला भी ठीक ही था। लास्ट में वो पाकिस्तानी था जो कि राह चलते भाई कह के झूठ बोल रहे, और होता भी ऐसे ही है, बहुत सारे लोग जो है ना एवं मुफ्त की तरीफे किए जा रहे होते हैं, लेना ना देना। तो सही था, मुझे तो बस 100-100 मीम्स लगे। आपको आप बताएं कमेंट सेक्शन में, आपको मज़ा आया या आपको भी मेरी तरह ऐसे ही लगा कि नहीं यार थोड़े थोड़े ना एक्सट्रीम टाइप होने चाहिए थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।